क्वेश्चन और था कि वितर अगर ईशा की रात को आप छोड़ देते हैं, जो कि अफजल तरीन इबादत है कि आप रात को वितर को छोड़ दें, आखिरी दो तीन वितर और दो नफल ईशा के, और उसको तहज्जुद पढ़े रात को उठ के, और उसके बाद उसको पढ़े, तो आपको सुरख ऊँटों की कुर्बानी का अजर मिलता है, पूरी रात आप इबादत में रहते हो ना। तो बहुत से अल्लाह वाले सारे छोड़ते हैं, वितर छोड़ दिए आपने, चार सुन्नत चार फर्ज दो सुन्नत दो नफल, या जितनी भी आप गैर मौकदा छोड़ दें, फर्ज और सुन्नत पढ़ के आप सो जाएं, और रात को उठे आपने उठते साथ अपनी वितर नहीं पढ़नी कि आप पहले रात की नमाज कंप्लीट कर रही हैं फिर तहज्जुद, नहीं, वितर एंड पे पढ़ना है। पहले आप नवाफिल पढ़ेंगे, जितने भी आपने हाजत शुक्राना जो नवाफिल पढ़ने हैं, उसके बाद आप तीन वितर और दो नफल पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये था कि वो दो नफल पढ़ने हैं जबकि हमने तहज्जुद पढ़ ली है। इमाम अबू हनीफा अहले सुन्नत वाल जमात के मुताबिक आपको तीन वितर दो नफल एंड पे पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और चाश्त की नमाज के बारे में क्वेश्चन था कि चाश्त की नमाज का वक़्त कब तक रहता है? जोर का जो आपके कैलेंडर पे टाइम है उससे 15 मिनट पहले तक आप चाश्त पढ़ सकते हैं। और चाश्त की नमाज का आपको पता है ना कि ये 360 जिस्म के जोड़ है, इनका सदका है। किसी ने आज इससे पहली क्लास में बताया कि उनके घुटनों में दर्द था, और उनने ये हदीस पढ़ के चाश्त इस नीयत से पढ़नी शुरू की, तो उन मुड़ के उनके घुटनों में दर्द नहीं हुआ। कह लो मैं तो अपने घुटनों का रोज सदका दे रही हूँ, सारे जोड़ों का तो जोड़ दुखेंगे कैसे, इन्ना माला मालो बिल नहीं यार। और चाश्त की नमाज के साथ माली खुशहाली का वादा है, पहाड़ों के मुताबिक रिज़्क का वादा है। और ये कब इसका टाइम शुरू होता है? आप 9 बजे के बाद ऑनवर्ड जोर से 15 मिनट पहले तक, जो कैलेंडर पे टाइम है ना, जैसे आज 40 है, अगर सपोजिंग 12:40 है, तो आप 20:25 तक, 12 तक पढ़ सकते हो। ये जोर की जल्दी तैयारी कर लें और वजू करें, और एक ही साथ बैठ के चाश्त पढ़ के बैठ ही रहें, और फिर साथ ही जोर पढ़ लें, या फिर सुबह अशराक जब आप पढ़ती हैं, सूरज तुलू होता है, उसके थोड़ी देर बाद नाश्ता वाश्ता किया तो अशराक पढ़ ली, चाश्त पढ़ ली, ठीक है ना। ये दोपहर की नमाज है और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। लेकिन जो सुबह फजर के बाद सूरज निकलने पे नमाज पढ़ी जाती है, उसके टाइम के बारे में कन्फ्यूजन थी कि सूरज जब तुलू होता है, जो आपके कैलेंडर पे टाइम है वो अशराक का टाइम नहीं है, उसके 15 मिनट के बाद वो टाइम है तुलू शुरू होने का। ठीक है कि आप और सूरज को बाहर निकलते पूरा, वो बाल बाहर निकलते 15 मिनट्स उल्मा ने कैलकुलेट किए हमें, तो जो कैलेंडर पे वो शुरू टाइम है उस पे आपने 15 मिनट बाद नमाज पढ़नी है। तो किसी ने पूछा कि अगर मैं जॉब पे जाना हो, मियाँ को नाश्ता देना हो, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो मैं जाए नमाज पे ना बैठ सकूं? ठीक है, आप जिक्र करती रहें, आप पूछें, नाश्ता वाश्ता दें, और फिर जाके अपनी अशराक पढ़ लें। ठीक है, अल्लाह को तो देखिए, आपकी जो फैमिली है, आपके जो मियाँ और बच्चे हैं, वो आपकी रियाया है, और आपकी रियाया की आपसे पूछो नहीं है, यहाँ तो मियाँ भी रियाया ही है ना, रैयत कहते हैं अंडर होने को, तो कनाडा में तो मियाँ भी रियाया ही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रियाया के साथ उसने सलूक करना है, और उसकी अल्लाह पाक ने पहले उसकी पूछ करनी है, आपकी इनिशियल फैमिली की आपसे पूछ है। मियाँ की रजा नहीं है तो आपका ना तबलीग के लिए निकलना, ना दरस में जाना कोई अजर नहीं है, वो नफली इबादात, आपके नफली रोजे सब उसकी इजाज़त से, सब उसकी इजाज़त से, कि बेगम साहिबा इशराक चाश्त पढ़ रही हैं और मियाँ जी बेचारे टाई ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और गुस्से चढ़ रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, कौन सी बातें हैं उनको, और उसका तरीका क्या है, उनको राज़ी रखें, उनकी चीज़ें, उनके कपड़े, इस्त्री लटके हुए, उनका नाश्ता रेडी, और ना बोल के अशराक पढ़ने का जो है वो बिल्कुल ठीक है, अगर आप बोलते नहीं हैं जी, बस 9 जैसे बस 9 बजे से पहले आप इशराक पढ़ लीजिए। किसी भी वक्त अगर आप सो जाती हैं, आप जॉब पे चली जाती हैं, आप उठ जाती हैं, आप किचन में आई हैं, आप नाश्ता करने लग गई, जिक्र कर रही हैं, साथ क्लीनिंग करने लग गई, तो आप बेशक 9 के बाद भी उसको पढ़ें, ठीक है, वो जो लेकिन 9 के बाद तो वो चार्ज का कोई टाइम बात नहीं, आप जब भी इशराक पढ़े उसके बाद आपका चार्ज का टाइम कंसिडर होगा, क्योंकि ये नफली इबादत है ना। जो इसके बारे में दो रवायात इशराक के बारे में सहीहैन में है, वो क्या है कि जिस शख्स ने मफहूम है अशराक पढ़ ली, फजर पढ़ के वो जाय नमाज पे बैठा रहा और जिक्र अजकार करता रहा, सूरज निकलने पे दो नफल पढ़े, तो उसकी खाल को दोजख की आग नहीं छुएगी। दूसरी रिवायत यह है कि जो नमाज से लेकर फजर से लेकर जाय नमाज पे जिक्र करता रहा सूरज निकलने तक, उसके लिए मकबूल हज और उमरा लिख दिया जाता है। देखिए हम खुद आज उमरा करने जाए, मैं नहीं पता मकबूल है कि नहीं,
उसके रोज हमारे दरवाजे पे मकबूल हज उमरा दस्तक देता है और हम सो जाते हैं या उठ जाते हैं। कितना आसान है, 7 बजे आज अशराक हुई है, नमाज पढ़ी गई है, क्योंकि 7:45 बजे आपका वो अलार्म बीप करता है कि सनराइज शुरू हो गया है, शुरू का टाइम 15 मिनट, 7 बजे अशराक का टाइम है। तो क्या ही अच्छा हो कि पढ़ के सो जाया जाए, ठीक है ना। बच्चे तो उसके बाद स्कूल जाते हैं, और अगर आपको उठना भी पड़े, आपने कोई दवाई खाई है, आप सो जाती हैं, दैट्स फाइन। जब जागे अशराक की नीयत से 2 नफल पढ़े, अल्लाह पाक फिर तौफीक देंगे वक्त पे पढ़ने की, और इंशाल्लाह अपनी रहमत से नफली इबादत है उतना ही अजर देंगे। तो अपनी खालों को हमने दोजख की आग से इंशाल्लाह बचाना है, अशराक को पक्का करना है, और माशी मसाइल से नबर्द आजमा करना है चाश्त को। एक सिला रहम